Hi everyone, welcome back to my another video. Thank you so much for the amazing response. जर्नी को कंटिन्यू करूंगी कि क्या क्या हुआ. बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं ना कि 4 साल के बाद समझ में आया बिजनेस कैसा है, उसके पहले क्या कर रही थी, सो रही थी क्या. ये भी सुनने में आ रहा है कि YouTube में आई है तो पैसे कमाने आई है. कभी मैं जवाब दूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंच गए हो तो हम कहीं ना कहीं आपकी यूनिट में कनेक्ट हो. तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए ये बताऊंगी कि जो हमारा अपलाइन जो था जिसने मुझे साइन अप किया था, उन्होंने आना बंद कर दिया बिजनेस में. लेकिन हमें मुझे ऐसा लगा कि यार बिजनेस में हम आए हैं, इतने सारा पैसा लगाया है तो छोड़ के जाना सही नहीं होगा. तो हम लोग ने आपस में ही प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया. मतलब हम 3 लोग थे, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया. फिर कोविड आ गया, कम्प्लीटली लॉकडाउन. फिर हमने क्या देखा कि बहुत ऐसे अपलाइन थे ना जो कि मोटिवेशनल स्पीकर बन के हमारे PDS में आते थे और बोलते थे कि पहले मैं ये हुआ करता था, आज ये हो गया. मतलब जिसको देख के हम ये सोचते कि यार इनकी तरह बनना है मुझे, मेरे पास जगुआर है और ये है, ऑडी है ये. हमने क्या देखा कि धीरे धीरे वो बंदे दिखना बंद हो गए, मतलब वो बिजनेस छोड़ के चले गए. मैं शॉक्ड हो गई, यार ये क्या हो रहा है. मतलब ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े बातें करके और जिनको देख के हम बिजनेस में आए और आगे लोगों को साइन अप किया, वही निकल लिए. फिर भी मैंने बोला चलो यार पैसे लग गए हैं, करते हैं, ठीक है. तो मैं, कुलदीप और एक और फ्रेंड था, हम तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और हम रेगुलर कर रहे थे. बिकॉज लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया था, तो जूम पे आ रहे हैं सारे. उस समय तक मेरे दिमाग में ये था ना कि जैसा बताया जाता था कि ये जो बिजनेस है ना वो हेल्प करने वाला बिजनेस है, इसमें आप किसी को बिजनेस दे रहे हो ना तो हेल्प करो. लेकिन धीरे धीरे अपने मतलब सीनियर के साथ काम करके, बिकॉज सारे लोग भाग गए थे, तो एक मोस्ट सीनियर पर्सन था उसके साथ हम काम कर रहे थे. उस समय वो ISB अप्लाइन थे एंड धीरे धीरे उनके साथ जब काम करने लगे ना तो उनका भी ये चीजें समझ गए कि यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि बस किसी तरह पैसे इन करो. मतलब अपने आप को देखो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी को बिजनेस दे रहे हो, किसी पे एहसान करो, ये कोई ऐसा नहीं है. ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग करते हैं. तो धीरे धीरे चीजें दिखनी खटकने लगी. तो यार हम उनके हिसाब से क्यों सोचे, हम अपने हिसाब से सोचेंगे. बिकॉज बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी काम को लेकर कि चलो करना है. तो फिर धीरे धीरे टीम बनने लगी, काम हम करने लगे. फिर धीरे धीरे चीजें जूम पे आ गई, जूम पे मीटिंग वीटिंग वगैरह चलने लगी. उसके बाद इसी बीच में साइनअप्स हुए. मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने साइनअप किया, और ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने बता के साइनअप किया कि यार देख हॉट साइनअप है, देख यार ये नेटवर्किंग है, ये कंपनी का नाम है. अपने दोस्तों को साइनअप किया. बट हाँ एक चीज और है कि मैं, बहुत सारे लोगों ने जो मुझे SMS भी किया है ना, कमेंट किया है कि 4 साल में लगता है फेल हो गई. मैं फेल नहीं हुई. मैंने जिसको भी प्लान दिखाया बिजनेस का ना, उसको मैंने 100% कंपनी का नाम डिस्क्लोज किया है, उसको पूरा मॉड्यूल समझाया कि उसमें तुम्हें लोगों को ऐड करना होगा. और मैंने 10 बार पूछा कि आर यू कंफर्टेबल. अगर वो कंफर्टेबल है तभी मैंने उसको साइन अप किया. मैंने कभी किसी को ये बोल के साइन अप नहीं किया है कि इस बिजनेस में आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा. 100% रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से कुछ छुपाया था. यही रीजन है कि आज मैं खुल के बोल पा रही हूँ, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती गई, टीम बनते गई, काम हो रहा था. तो धीरे धीरे जब काम करते करते टीम बनी, तो हमारे जो सीनियर अप्लाइंट थे उनके साथ हम बताया मैंने जैसे कि काम कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि उनका भी ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी आ रहा उसको साइन अप करो. कोई 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है ना कोई बंदा, तो उसका भी लोन करो, उसको साइन अप करो. तो इस बिजनेस में कोई है नहीं, माई बाप है नहीं कि आप इतने सैलरी वाले पर्सन को साइन अप करना है, जिसके पास इतना पैसा उसको साइन अप करना है. किसी भी को भी उठा के साइन अप कर दो. किस लिए भाई, UV तो चढ़ रही है ना. अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता था सामने से तो हमें ये चीज सिखाया जाता था कि उसको कह दो उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, रिजेक्ट कर दो, ये कोई बात हुई. तो ये सारी चीजें होती गई होती गई. तो एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे बहुत क्लिक हुआ. एक बंदा था जिसका नाम बॉबी था, लॉकडाउन उसको हमने साइन अप किया और जितना हो सके ना हमने उसका हेल्प किया. वो बहुत बुरे कंडीशन में था. उसके बाद उसको अपने किसी रिलेटिव को साइन अप करना था, तो उसने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि मैम इसका साइन अप हो जाएगा, आप इसका UV चढ़ा दो. मैंने उससे पूछा कि पक्का साइन अप हो जाएगा ना. मैंने उससे 10 बार पूछा कि यार पैसे आ जाएंगे ना, तो जो कि मैं अपलाइन के दबाव में पूछ रही थी. वो साइन अप अगले फ्राइडे को भी हो सकता था. तो उसने बोला हाँ हाँ मैम आ जाएगा, 1.5 लाख रुपये की बात थी. तो मैंने अपने अपलाइन को बोला कि सर ये बोल तो रहा है पैसे आ जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता इसका साइन अप करना चाहिए. अपलाइन है तो उसके ऊपर भी कोई अपलाइन है, तो उसके दबाव में आके कहते हैं वो मुझे ठीक है काम करो, तुम इसका ना साइन अप कर दो एंड मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, सो साइन अप कर दो, तुम इसके पैसे दे देना अगले वीक आ जाएगा. तो
बॉबी को फिर मैंने कॉल किया कि यार उसका पैसा क्या हुआ, तो कहता है वो कि मैम ये तो नहीं हो पा रहा है, उसके पैसे नहीं हो पा रहे हैं अरेंज। तो मेरा तो हालत खराब, फिर भी मैंने सर को बोला कि सर मैंने बोला था आपको, वो क्या बोलते हैं लेकिन मैंने तो सीसी दे दिया, अब मुझे तो उसका पेमेंट चाहिए। उन बंदे ने लिटरली इनडायरेक्टली मुझे थ्रेट किया, वो अपलाइन ने, भारती मुझे आज के आज पैसा चाहिए। मैं हैरान हुई कि यार ये वही इंसान है जो बोल रहा था कि कोई नहीं हम देख लेंगे, हम यूवी चढ़ा देते, जिसको मैंने मना किया था, और लिटरली वो मुझे एक टाइम पे ऐसे बोल रहा है कि मुझे आज के आज पैसे चाहिए, इसके क्रेडिट कार्ड में पैसा बनना है, कहीं से भी दो पैसे, कार बेच के दो, घर बेच के दो पैसे। मैं शॉक्ड हो गई कि यार ये क्या बंदा है। फिर भी मेरा एक कार्ड आया हुआ था, क्रेडिट कार्ड, तो मैंने उसी का पूरा लिमिट जितना था सारे ट्रांसफ़र कर लिए। और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड का क्या इंटरेस्ट होता है। लिटरली अभी लोन लेके उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है मैंने, 1.5 लाख रुपए अपने जेब से दिए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक जिद की वजह से कि इसका यूवी चढ़ा दो। तो ये सारी चीज़ें उस मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यार क्या है। एक मेरा डाउनलाइन था, उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम सुनील है, वो दुबई में रहता था, तो उसने उसको साइनअप किया। अब एक चीज़ और बताओ, अब आ गए हो, आपने किसी का साइनअप कर दिया है या आप किसी का डाउनलाइन हो तो बंध गए हो, आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ेगा। वो बंदा वो यहाँ आया, जितना हो सका एज ए अपलाइन मैंने उसकी हेल्प की। कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखती हूँ, इसी तरह मैंने एक दिन सुनील का फ़ोन यूज़ कर रही थी, बॉबी और सुनील के बीच में लिटरली एक कॉन्वर्सेशन थी रिगार्डिंग मी, और उस कॉन्वर्सेशन में लिटरली वो बंदा मुझे गालियाँ दे रहा था। लिटरली उसने मुझे बोला उस कॉन्वर्सेशन में, मैंने अपने आँखों से देखा। मैं हैरान हो गई कि यार ये बंदा मुझे गालियाँ दे रहा है, कौन क्यों करूँ फिर मैं ये बिजनेस जिसमें मैं किसी के साथ भला कर रही हूँ, वो बंदा मुझे गाली दे रहा है। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे अब एलएस जाना है। एलएस एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको हैंड वॉश की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि सिखाया जाएगा कि आप कैसे दुनिया से लड़ोगे। अब मैं उस ट्रेनिंग के बारे में बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनना ये चीज़। मैक्सिमम उसमें ना, मतलब मिनिमम 200 लोग थे, एंड ईच पर्सन 10,000 रुपीज़ ली गई थी। अगर आप कैलकुलेट करो तो 20 लाख रुपीज़ बन रही थी, ठीक है। 20 लाख रुपीज़ में एक सड़ा सा बैंकट हॉल वहाँ पे बुक किया गया, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मतलब दिन रात आपको बैठा के आपका माइंड वॉश किया जाएगा कि कोई भी आके आपको नेगेटिव बोलेगा तो आपको कैसे उसको रिएक्ट करना है। उसके लिए लिटरली फिजिकल एक्टिविटी करा रहे थे, आँख पे पट्टा डाल दिया और एक बंदे को पकड़ा दिया कि ये बंदा जो जो बोलेगा वो तुम्हें करना है। तो वो बंदा मुझे जो जो बोल रहा था वो मैं कर रही थी। उसने बोला कि अब यहाँ पे रेत है, इस पे कूद जाओ, तो मैं कूद रही थी। मतलब ये था कि आपको ये चीज़ दिखाना है कि दुनिया जाए पहाड़ में, कोई भी नेगेटिव बोले, आपसे मिला के अगर कैलकुलेट करो तो 20 लाख लिया, 15 लाख पूरे के पूरे इन लोगों के जेब में जाते हैं, अपलाइन के जेब में जाते हैं। एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 4-5 बेड लगे हुए थे जिसमें 5-6 लड़कियां सोई हुई थी, और मुझे नीचे एक नॉर्मल बेड रखा हुआ था। दिसंबर का टाइम था, मेरी इतनी तबीयत खराब थी उस एंड में, नीचे सोई हुई थी और मेरी जो हालत हो गई थी खराब, और लिटरली मैं जो जैकेट पहन के गई थी ना, मेरी मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि जो दिल्ली की ठंड आपको पता होगी, जो कंबल होता है ना उसको भी ओढ़ के सोई, और मैं साथ में जैकेट भी ओढ़ के सोई क्योंकि मेरी तबीयत ना खराब हो। और जब मैं वहां से लौटी हूँ तो मैं सीधे एडमिट हुई थी 5 दिन के लिए, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। वहां से आने के बाद भी फिर से वही प्लान दिखाओ, कॉलिंग करो, प्लान, यही सारी चीजें चल रही थी। तो ऑलरेडी मेरा मन खराब तो हो ही गया था। फिर मैंने क्या एक चीज देखा कि इस बिजनेस में कोई एक स्टेटस है ही नहीं। मैंने क्या देखा कि जो मजदूर जैसे लोग होते हैं जिसके 1,000 रुपए दिहाड़ी होती है ना पर डे की, उसको भी 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लोन करा के उसको भी साइन अप करने में मजबूर कर रहे थे ये लोग। हम तो एक सर्विस वाले हैं, हम काम कर रहे हैं तो हम EMI भर देंगे, उनका क्या, वो कहाँ से देंगे। जो बिजनेस के बारे में ये सोच रही थी ना कि ये बिजनेस दूसरों की हेल्प करने वाला है, ऐसा नहीं है। ये जो बिजनेस है ना वो अपलाइन का जेब भरने वाला बिजनेस है जो दुबई में बैठे हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, अभी वीकॉन हो रहा है, जो मेरा वीडियो देख रहा है वो जानता ही होगा। आप एक बात बताओ, वीकॉन गए थे या मैजिक गए थे, 30-25 हज़ार का टिकट बुक कराते हो होटल का, तो वो होटल आपको शेयरिंग पे क्यों देते हैं, कभी पूछा आपने? वो बुकिंग आप पूरे रूम का कराते हो लेकिन वो शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पूरा का पूरा हाफ पैसा उनके जेब में जाता है। अभी वीकॉन जा रहे हो ना, टिकट कराए हो ना, पूछना कि आप मुझे शेयरिंग क्यों कर रहे हो। अब वो बोलेंगे माइंडसेट का, कि एक माइंडसेट रहेगा, एक रूम में रहोगे, तो माइंडसेट वीकॉन के लिए, वीकॉन में जाके बैठना माइंडसेट नहीं है, तो डबल पैसे क्यों ले रहे हो तुम?
हाफ पैसे लो ना माइंडसेट ही अगर आपको देखना है तो मेरे हाफ पैसे लो। वीकॉन में जो टिकट्स होती है होटल की वो एक बंदे का 25,000 पूरे रूम का होता है 3 दिन का, लेकिन उसमें 2 लोगों को रुकवाया जाता है कि आपके एक बंदे का पैसा पूरे ही अपलाइन के जेब में जाता है। आप समझो, मूर्ख मत बनना। अब रही बात, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 4 साल बिजनेस करके क्यों छोड़ दी। भाई 4 साल बिजनेस करके इसलिए छोड़ा ना क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये था ना कि दूसरों का हेल्प करना, लेकिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइजेशन हो गया ना कि यहाँ पे ना हम दूसरों का हेल्प नहीं, हम अपलाइन का हेल्प कर रहे हैं जैगवार और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने में ना, तब मुझे मैंने ये बिजनेस छोड़ा। जो अभी ऑलरेडी वर्किंग है वो बातें कर रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रही है, नेगेटिव है, तो एक भी यू ही नहीं देखा है मैंने अभी तक। तो सारी बात ये फेल हो गई शायद इसलिए बिजनेस नहीं कर रही है तो नेगेटिव कर रही है। हाँ भैया मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई दूसरों को उल्लू बनाने में, आई एम अ फेलियर। कमेंट आ रहा है कि क्यूनेट को बदनाम करके पैसे कमाना चाह रही है, लग रहा है शायद कि वीडियो बना के पैसा कमाया जा सकता है, तो आप भी बनाओ ना, आप भी पैसे कमाओ, आपको मैंने कब मना किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई होगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।